अमर क्या करवा रहा है? रोलिंग गाइस, शोएब जी फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, 2.4 लाख व्यूज आ चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। सॉन्ग को काफी अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का रिस्पांस आज 24 आवर्स में मिला? 24 आवर्स तो भी नहीं हुए हैं, लेकिन कितना अभी 6 घंटे हुए हैं, और 6 घंटे के हिसाब से रिस्पॉन्स आराम का बहुत ही अच्छा है। गाना सबको पसंद आ रहा है, और गाना विजुलाइज, उसके विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। डायरेक्ट किया है माली, उनसे हमारा पुराना रिश्ता है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारी शादी में जो फोटोग्राफी की थी, वो इन्होंने की थी, सबक की शादी में जो फोटोग्राफी की थी, वो इन्होंने की थी। वहाँ से हमारा एक रिश्ता बना था, और रिश्ता ऐसा है कि जब इन्होंने बोला कि अगर शो मेरे पास एक गाना है, मैं चाहता हूँ कि आप करो, तो गाना भी बहुत अच्छा था। अंकित तिवारी को मतलब उनकी आवाज़ किसको नहीं पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और जब गाना सुना, इन चीज़ें मटीरियलाइज हुई हैं, और गाना क्या खूब निकला है आप सबके सामने, जिस हिसाब से आपके रिव्यूज़ हैं, आप सबके कमेंट्स हैं, और आप सबके फीडबैक जो आ रहे हैं गाने को लेकर, वो बहुत ही अच्छा है। तो शुक्रिया आप सबका इतना पसंद करने के लिए। आगे क्या बोलोगे सॉन्ग को लेके? मैं तो परफॉर्मेंस की बात करूँगा, शोएब भाई और शोएब भाई की जो परफॉर्मेंस हुई है बहुत बढ़िया, पूरी वीडियो में विजुअल्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकल के आ रही है, और है ही बहुत उम्दा एक्टर है दोनों, तो उसी को मैंने तो वही था कि मेरे पास इतने अच्छे एक्टर हैं तो मैं उनकी इतना यूज़ कर सकता हूँ वीडियो में, तो मैंने वही कोशिश करी है कि उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छे से अच्छे दिखाए। और आप लोग सब बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है इस बात। शिव जी आपसे जानना चाहूँगा, हाउ दिस सॉन्ग केम टू यू, किस तरह से सॉन्ग आया? एंड सोनी जी भी है, काफ़ी अमेजिंग केमिस्ट्री, काफ़ी अमेजिंग लग रही है आप ये सॉन्ग। आई थिंक मैं चंडीगढ़ में था जब लास्ट मिले थे। हाँ जी, मैं अपने आहिस्ता वगैरह शूट करने गया था, जब वहाँ पर राजवीर हमसे मिला था, और हम सबक की शादी के सिलसिले में ही मिले थे बात करने के लिए, जब चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज पर थी। तो राजवीर ने बताया कि मैंने अपना लेवल बोला है, सारी चीज़ें हैं, तो वो चाहते थे कि मैं और दीपिका एक सॉन्ग साथ में शूट करें। वो सॉन्ग अभी शूट नहीं हुआ है, तो मतलब बहुत ही मस्त सॉन्ग है, वो भी पंजाबी सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। उसको हमने कहा था कि हम इसको दिसंबर या जैन में वहीं कहीं खेतों में समथिंग ऐसा कुछ शूट करेंगे, क्योंकि वो फील ही वैसा, वो फील ही पंजाब का। बट उससे पहले राजवीर ने, आई थिंक हमने 23rd को शूट किया था, 23rd एंड उससे एक हफ्ते पहले जस्ट राजवीर ने मुझे ऐसा सॉन्ग फॉरवर्ड किया कि भाई ये सॉन्ग भी है, आप करेंगे क्या? जैसे कि मैंने पहले बोला कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, अंकित तिवारी की आवाज़ एंड राजवीर साथ में, तो मैंने कहा दीपिका जी का क्या रिस्पॉन्स? दीपिका को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा है, और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है स्पेशली मेरे काम को, छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ पकड़ती हैं, बट उसको ये गाना ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। उसने स्पेशली बोला था कि राजवीर से बोला कि बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। थैंक यू, थैंक यू। हम इस तरीके से पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, मतलब एक इमेज जो राजवीर की है, प्रोडक्शन की ये चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है राजवीर से, इंशाल्लाह आगे काम करने का। राजवीर बोलो तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ही नाम दे इनके साथ हमारा एक प्लान है, शोएब जी और दीपिका मैम दोनों के साथ हमारा एक प्लान है, लेकिन अभी थोड़ा सा करेंगे उसको, क्योंकि पंजाब में शूट करना है, अभी ठंड बहुत होती है वहाँ पे, तो थोड़ा ठंड कम हो जाए उसके बाद हम इनके साथ एक गाना प्लान। हाउ इज द एक्सपीरियंस सुरभि के साथ? केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है दोनों। हाँ, सुरभि के साथ तो मतलब पुरानी यादें हैं, पुराने रिलेशन है, जब हमने कोई लॉट के आया साथ में शूट किया था, तो एक पल के लिए जब हम साथ में मिले तो ऐसे लगा कि यार शिट, मतलब 5 साल हो गए उस चीज़ को, 2017 में किया था, लेकिन जब मिले साथ में तो ऐसा लगा नहीं कि 5 साल हो गए, ऐसा लगा कि हाँ अभी की तो बात की, वही वॉक संजीव, वही आपस में बात करने का तरीका, वही मस्ती मजाक, वही था। एंड किस तरीके से शूट हो गया हमें पता नहीं चला, सुबह 11 बजे से हमने शूट स्टार्ट किया, रात में 1-1.5 बजे से, हमको कैसे टाइम बीता है। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे? नंदी सर,